अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। बालापुर शहर में ईदगाह पर नागरिकों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा कर देश में शांति के प्रति दुआएं मांगी। बालापुर की ईदगाह पर हजारों नागरिकों ने ईद की नमाज अदा की है। बालापुर की ईदगाह पर सुबह 8 बजे से ही ईद की नमाज अदा करने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंचना शुरू हो गए थे। बड़ी ही शांति के साथ बालापुर के नागरिकों ने ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की। ईद उल फित्र के इस अवसर पर भाईचारा व एकता बताते हुए ईदगाह के पास रहने वाले हिंदू भाइयों ने अपने घरों के सामने पीने के पानी के बड़े स्तर पर इंतजाम किया था। वहीं बालापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार और उनके स्टाफ की तरफ से ईदगाह पर नमाज पढ़ने आए नागरिकों को गुलाब के फूल देकर ईद की मुबारकबाद दी गई। अकोला 24 न्यूज के लिए बालापुर से अनिस खान की रिपोर्ट। अरे आइए आइए जनाब, बैठिए बैठिए। नहीं यार, पाइल्स है मुझे, जिस कारण अब बैठने में भी दिक्कत होने लगी है। अरे फिर तो तुम डॉक्टर माजिद अली के क्लिनिक अली क्लिनिक से संपर्क करो, जहां तो पाइल्स व सेक्स संबंधी किसी भी समस्या का इलाज 100% आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के साथ होता है। यह क्लिनिक 4 पीढ़ियों से अपनी सेवा दे रहे हैं और 100% मनी बैक गारंटी के साथ पाइल्स का इलाज कर रहे हैं, तो तुम बेफिक्र होकर इनसे संपर्क करो। अरे वाह, फिर तो मैं आज ही अली क्लिनिक से संपर्क करता हूँ।